जो आउटलाइन थी वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी, तो इस वीडियो में हम लेटर न्यू चाइल्ड के फिजिकल आउटलाइन, फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे। हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। फ्रिक्वेंट माइग्रेन्स कैन बी पीरियोडिक, मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द राइट टेम्पल एरिया। जो इनका हेडेक होता है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, इनमें हेडेक बहुत रहता है, माइग्रेन की समस्या होती है। माइग्रेन जो है पीरियोडिक भी रह सकता है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है कभी है, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूसली माइग्रेन की समस्या है। और जो दर्द होने का, पेन होने का जो एरिया है वो टेम्पल रीजन है, टेम्पल्स में, राइट टेम्पल रीजन में, कौन सा वाला, राइट साइड का टेम्पल रीजन में इसको दर्द रहता है। कॉजेस, अब दर्द का रीजन और हेडेक का रीजन क्या होता है? ओवर यूज ऑफ द आईज एज ड्यूरिंग स्कूल, स्कूल में पढ़ते पढ़ाई लिखाई के समय बच्चे ज़्यादा आइस का इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड पे देखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो इस वजह से उनको जब वो वापस स्कूल से घर आ रहे हैं तो शिकायत कर मिलती है कि मुझे सर दर्द हो रहा है। सेकेंड है बीइंग इन द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट की में जहाँ भी उनको एक्सपोजर मिलेगा तो उनको हेडेक शुरू हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑडर्स सच एज डीजल एग्जॉस्ट, जो बहुत ज़्यादा तीखी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती है उनकी वजह से उनको हेडेक होने लगता है, फॉर एग्जाम्पल डीजल। अकम्पनिंग सिस्टम, हेडेक के अलावा इसके साथ में जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विजुअल लॉस और ब्लरिंग, थोड़ा सा ठीक से आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है या ब्लरिंग हो सकती है। बिफोर अ हेडेक या ड्यूरिंग अ हेडेक, और जो विजुअल लॉस होता है ये हेडेक के पहले भी हो सकता है या हेडेक जब हो रहा है उस समय भी हो सकता है। थर्स्ट फॉर आइस कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा ठंडी आइसी चीज़ों की प्यास लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, ये हेडेक के साथ जितने भी अकम्पनिंग सिम्टम्स हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं ये, कैन नॉट बी इन द सन विदाउट अ हेड फॉर शेड, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो धूप में ये बिना हेड टोपी लगाए या कुछ भी कवर किए हुए हेड ही आपको नहीं दिखेंगे, मोस्टली कवर रखेंगे अपने आप को, सन से प्रोटेक्ट रखेंगे। आई सेंसिटिविटी एविडेंट इन द आईज, फोटोफोबिक, और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है मायोपिक, फ्रॉम एन अर्ली एज मस्ट वेयर ग्लासेस और डेवलप हेडेक्स, इनको आइज की दिक्कत बहुत अर्ली एज से शुरू हो जाती है, अगर ग्लास इनको पहनना कंपलसरी हो जाता है आई साइड की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर नहीं पहनेंगे तो इनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। ईयर डेवलप्स क्रैक बिहाइंड देम ड्यू टू एक्जिमा, ईयर्स के पीछे क्रैक्स आ जाएंगे एक्जिमा की वजह से। नोज ऑफन अफेक्टेड बाय हे फीवर और इची पैलेट, और जो डिस्चार्ज होगा वो क्लियर और वाइट कलर का होगा। फेस की बात करते हैं तो प्री मेंस्ट्रुअल रैश अलोंग द जॉ लाइन, फीमेल्स में, गर्ल्स में देखा जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल मेंसेस से पहले रैश देखे जाते हैं। एक्ने डेवलप्स मोस्टली ऑन द फोरहेड अलोंग द हेयर लाइन, हेयर लाइन के साथ फोरहेड रीजन पे एक्ने देखने को मिलेंगे। फेस में शाइन विद एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, तो इनका जो अपीयरेंस है फेशियल ऑयल बहुत ज़्यादा फेस पे होगा और एक्ने होंगे हेयर लाइन से फोर हेड पे। हाइप्स फ्रॉम बीइंग इन द सन, सन से ज़्यादा एक्सपोजर होने से इनकी बॉडी में हाइप्स डेवलप हो जाती हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर टू सन इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग के समय में जो फर्स्ट सन होता है उस एक्सपोजर में आने पे इसमें बॉडी में इनके हाइप्स हो जाती हैं। फीवर ब्लिस्टर्स, फीवर ब्लिस्टर्स होंगे उसके साथ क्या होगा, ड्राई और क्रैक्ड लिप्स होंगे, बहुत सूखे से फटे हुए से लिप्स होंगे, दर्द होगा। माउथ की बात करें तो जियोग्राफिक टंग होगी, जियोग्राफिक टंग बहुत बढ़िया इसका सिम्टम है, आप जी बच्चे के देखेंगे तो अलग से उसमें पैटर्न बने हुए डिजाइंस होंगी, जैसे हम मैप देखते हैं तो उसी टाइप की अलग अलग से लाइन्स होंगी, तो उसको जियोग्राफिक टंग बोलते हैं। फ्रिक्वेंट कैंकर सोर्स, और जो माउथ है वो ड्राई होगा, इस वजह से इनको थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास बार बार फ्रिक्वेंट आइसी कोल्ड वाटर की इनको प्यास लगेगी, ठंडे पानी की प्यास लगती है। अस्थमा की कंडीशन रहेगी, अस्थमा इनको आफ्टर एक्जर्शन, बहुत ज़्यादा काम कर लिया एक्जर्शन का काम, उसके बाद इनको अस्थमैटिक कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, एलर्जी रहेगी। इमोशनल कॉजेज एलर्जिक कफ फॉलोइंग ग्रीफ, कोई भी इमोशनल थिंक, इन्होंने कुछ ज़्यादा सेंटी हो गया, रो लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ इनको जिनसे इनको इमोशनल चेंजेस आए हैं इनके माइंड में, उसकी वजह से इनको एलर्जिक कफ शुरू हो जाएगा। एलिमेंट्री सिस्टम की हम बात करें तो उनको कुछ क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग होती है सॉल्टी
थिंग्स की, खाना खा रहे थे उसमें नमक इनको अलग से चाहिए, अचार चाहिए, कुछ भी सॉल्टी इनको चाहिए, दूसरी चीज़ें सॉल्टी खाएंगे, नमकीन ज़्यादा खाएंगे, चिप्स खाएंगे सॉल्ट डालकर, ये सब चीज़ें, और स्वीट्स। अवर्जन, किन चीज़ों से इनको दिक्कत होती है? फैट, फैटी फूड से इनको दिक्कत होती है, स्लाइमी फूड से दिक्कत होती है, मिक्स्ड फूड सच एज कैसरोल्स, मिल्क इंटॉलरेंस होती है, और मिल्क इंटॉलरेंस की वजह से इनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। और वही है आइसी कोल्ड वाटर की इनको थर्स्ट होती है। अब स्टमक की बात करते हैं, इनको डायरिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा भूख इनकी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इनको खाने में बहुत ज़्यादा चाहिए, खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि बॉडी पर लगता नहीं थी, वो ही बच्चे हैं, इनकी एपेटाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है बट इनका जो वेट गेन वो नहीं होता है, ये ठीक रहते हैं। टॉक लिटिल वॉक लेट, थोड़ा मतलब बातें कम करते हैं। स्टमक एक्स एंड हार्ट बर्न रिकरेंट, इनको गैस की दिक्कत रहेगी जिसकी वजह से चेस्ट पेन रहेगा, बर्निंग रहेगी, बर्निंग सेंसेशन रहेगी, और ये किसकी वजह से होते हैं? फूड खाने के बाद एग्रावेट हो जाती है दिक्कत ज़्यादा, चेस्ट पेन की, स्टमक एक की, बर्निंग सेंसेशन की। मोशन सिकनेस एंड कार सिकनेस रहेगी, ये नेट्रोम्यूर का बच्चा जो है ट्रेवल कर रहा है तो मोशन सिकनेस की दिक्कत इसको रहेगी, नौशिया वॉमिटिंग वाली सिम्टम्स इसको आएंगे। पेन फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क इसको नहीं सूट करता है तो दूध पीने के बाद इसको पेट में दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब हम रेक्टम की बात करते हैं, जो स्टूल्स इसके होते हैं वो रेगुलर होते हैं लेकिन हार्ड होते हैं विद कॉन्स्टिपेशन होगा और हार्ड स्टूल होंगे इसके। अब हम यूरोजेनाइटल सिस्टम की बात करें, डू नॉट लाइक टू यूरिनेट इन पब्लिक रेस्ट रूम्स ड्यू टू शाइनेस, बहुत ज़्यादा शर्मीला होगा तो पब्लिक रेस्ट रूम्स में शर्म की वजह से ये टॉयलेट नहीं जाएगा, वॉशरूम यूज़ नहीं करेगा रेस्ट रूम। और जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कों के केसेस में बच्चे बॉयज़ होते हैं वो रात में क्या होता है बिस्तर गीला कर देते, पेशाब कर देते हैं बेड पे, तो क्योंकि वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं तो ये वाले सिम्टम्स उनमें देखने को मिलेंगे। गर्ल्स के केस में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में सैडनेस, इरिटेबिलिटी, एक्ने, ऑयली फेस और क्रैम्स, ये सारे कंडीशन देखने को मिलेंगे। मेंसेस के साथ बैकएक होगा, बहुत ज़्यादा यूट्राइन क्रैम्प वगैरह होंगे, जो ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का होगा। अब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ की, मे लर्न टू वॉक लेट, बहुत चलना फिरना लेट में सीखेगा ये। रेडिली टर्न देयर एंकल्स, अपने एंकल्स को टर्न इसका करना नहीं आएगा, सीधा चल रहा है लेकिन एंकल अगर बोलते चलते चलते टर्न करो तो ये थोड़ा सा देख के सीखेगा, नहीं समझ आता है इसको। फ्रिक्वेंट टेंडिनाइटिस, अर्थराइटिस, ये बोन्स की कंडीशन इसको होंगी। स्टिफनेस, स्टिफ नेक की दिक्कत होगी। प्रॉब्लम विद द नेल्स, नेल में क्या दिक्कत होगी, नाखूनों को चबाएगा, खाएगा, बाइट करेगा अपने नेल्स को। डेवलप हैंग नेल्स ईजली, बाइट करेगा उसकी वजह से क्या होता है, जो ये खाल वगैरह सब होती है ये सब नीचे आ जाती है और जो नाखून होते हैं वो भी टूटे फूटे से रहते हैं क्योंकि उनको बाइट करने की इसको टेंडेंसी होती है नेल्स को। स्किन की बात करें तो स्किन का टेक्सचर जो है वो ड्राई रहेगा, क्रैक्ड रहेगा और मोस्टली एक्जिमा की कंडीशन होगी, स्किन रैश, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, ये सब चीज़ें इसको देखने को मिलेंगी। सोरियासिस होगा जो कि बहुत पेनफुल होगा। हाइव्स होगा जो कि सनलाइट एक्सपोजर से होते हैं और आराम मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से इसको, हाइव्स में जितनी स्किन कंडीशन है कोल्ड से इसको आराम मिलता है। एलोपेशिया होगी वही, और जॉब पे प्री मेंस्ट्रुअल रैश होंगे गर्ल्स की कंडीशन में। एक्ने होगा फोरहेड में, हेयर लाइन से फोरहेड तक एक्ने है। अब फिजिकल जनरल्स की बात करें तो इलनेस विद इमोशनल एटियोलॉजीज सच एज ग्रीफ, मतलब कोई भी इलनेस होगी मेंटल या फिजिकल तो उसके साथ ग्रीफ की कंडीशन इसमें मिलेगी। ग्रीफ इसका मेन प्रोमिनेंट है नेट्रोम्यूर का। मे बी वीक एंड एनीमिक, पतला सा होगा, एनीमिक भी हो सकता है, खाता अच्छा है लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा है, पतला लीन थिन है। वार्म ब्लडेड होंगे, धूप में जाएंगे तो हैट पहनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मे लाइक कूल बाथ, ठंडे पानी से नहाना इनको बहुत पसंद है क्योंकि इनको बहुत गर्मी लगती है। एग्रेवेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू सनलाइट, जरा से भी सनलाइट में जाएंगे तो इनकी सारी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एग्रेवेशन हो जाएगा सनलाइट में जाने से। तो ये सब था नेट्रोम्यूर चिल्ड्रन के बारे में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।